me better when I'm with you. Hey, what's up guys, this is Sophie Office, स्वागत है अपना 10x Sophie Vlog में. So guys, आज के वीडियो में हम लोग एक कंपैरिजन करने वाले हैं जो कि है हमारा IQOO Z3 या फिर IQOO Z3 बोलो और OnePlus Nord CE के बीच में हम लोग कंपैरिजन करने वाले हैं. तो जैसे कि हम लोग देख सकते हैं हमारे दोनों पीस इधर ही है, ये दोनों पीस. इन दोनों का अनबॉक्सिंग और रिव्यू मैंने पहले ही कर चुका हूँ, जिन लोग ने नहीं देखा वो जाके लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया, जाके चेकआउट करो एक बार. और तो चलते हैं वीडियो की तरफ. इस दोनों के बीच में बहुत बॉम्ब कंपैरिजन होने वाला है क्योंकि एक तरफ है हमारा OnePlus Nord CE और दूसरे की तरफ है IQOO Z3, जो कि प्राइस रेंज में देखा जाए तो ये 25,000 का फ़ोन है और ये कुछ 19 या 20,000 का फ़ोन है. तो कंपैरिजन काफ़ी तगड़ा होने वाला है और मोबाइल भी काफ़ी अच्छे अच्छे, एक में एमोलेड एक में नहीं है. तो मैं पूरा कंपैरिजन आप लोगों को वीडियो में बताता हूँ, आप वीडियो में बने रहे और अपना काम जारी रहेगा और काम भी भारी रहेगा. अरे कहना क्या चाहते हो? पहली चीज़ जो हम लोग वो बात करते हैं वो है इसके वेट की तरफ. तो कुछ ये IQOO Z3 आता है 180 ग्राम, थोड़ा वज़न है, और ये कुछ 173 आता है. Nord CE हमारा कुछ 173 ग्राम का है, तो इतना वज़न तो चलता है थोड़ा ऊपर नीचे की तरफ. और नीचे की तरफ बात करते हैं तो इस दोनों में टाइप सी पोर्ट दिया हुआ है और 3.5 mm जैक दिया हुआ है और स्पीकर ग्रिल, दोनों स्टीरियो स्पीकर नहीं है पर सही है. तो गाइस दोनों की मैं सिम ट्रे की बात करने चलूँ तो इसके अंदर आता है डुअल सिम और एक सिम या फिर एक मेमोरी कार्ड डाल सकते हैं. जैसे कि आप लोग ये देख सकते हैं IQOO Z3 में अपन दो मेमोरी कार्ड, एक मेमोरी कार्ड या फिर एक सिम या फिर दो सिम डाल सकते हैं. वही Nord CE की तरफ देखते हुए चलते हैं तो हम लोग खाली दो सिम डाल सकते हैं, एक्सटर्नल SD कार्ड का नहीं डाल सकते. आप लोग देख सकते हैं कि Nord CE में अपन एक्सटर्नल नहीं डाल सकते, तो ये एक गलत वो है कि अपन SD कार्ड नहीं डाल सकते, बट कोई नहीं, चलता है डुअल सिम के. सो गाइस अगर मैं इन लोग की स्टोरेज की बात करूँ तो ये जो हमारा IQOO Z3 है जो इसमें तीन स्टोरेज में आते हैं, एक 6GB 128GB आता है, एक 8GB 128GB में आता है और एक 8GB 256GB में आता है. और वहीं दूसरी तरफ हमारा Nord CE की तरफ बढ़ते हुए देखते तो इसमें भी तीन वेरियंट आते हैं. एक आता है 6GB 128GB का आता है, एक 8GB 128GB का आता है और तीसरा जो हाई वेरिएंट टाइप में है उसमें 12GB रैम और 256GB स्टोरेज रहते हैं. तो तीनों की प्राइस रेंज की तरफ बात करते हुए चलते हैं तो जहां से हमारा ये IQOO Z3 ख़त्म होता है वहां से Nord CE चालू होता है. तो IQOO Z3 का जो पहले तीन वेरिएंट में जो आप लोग को बताया हो, पहला फ़ोन कुछ 20,000 का है और इसका 25,000 का है, वो तो आप लोग को मैं लिख के या फिर उसमें बता दूंगा, नीचे डिस्क्रिप्शन पे उसमें भी डाल दूंगा. तो दूसरी तरफ चेकआउट करने चलते हैं. अगर हम लोग बैटरी की बात करने चले तो IQOO Z3 में 4400mAh की बैटरी है और इसमें 4500mAh की बैटरी है, बट इनबिल्ट जो इसके अंदर चार्जर आता है 6V फास्ट चार्जिंग आता है और इसके अंदर 30V फास्ट चार्जिंग आता है, तो कम है Nord CE में 6 में 6. जैसे कि मैंने चार्जिंग लगा के देखा हो तो ये 0 to 50 कुछ 15 से 20 मिनट में लेता है और ये 0 to 50 कुछ होने में लगभग 25 या 30 मिनट लगता है, यानी 100 होने में तो 40 मिनट में तो ऐसे टक से हो जाएगा ये IQOO Z3. तो बैटरी के हिसाब से और चार्जिंग के हिसाब से तो IQOO Z3 ऐसे ही जीत जाता है. सो गाइस अगर इसके प्रोसेसर और चिपसेट का बात करना चाहे तो IQOO Z3 में हमें स्नैपड्रैगन 768G मिलता है जो कि इंडिया का सबसे फर्स्ट प्रोसेसर है. इसमें गेम प्ले भी काफ़ी स्मूथ हो रहा है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं मैं इसमें पबजी खेल रहा हूँ तो काफ़ी गेम स्मूथ चल रहा है. और ग्राफिक्स की तरफ चलते हुए देखा था तो मैं इसके अंदर HDR अल्ट्रा पे करके खेल सकता हूँ, तो वो भी काफ़ी बढ़िया है. वही गाइस दूसरी तरफ Nord CE में हमें 750G प्रोसेसर मिलता है जो वो भी अच्छा है, बुरा नहीं है, बट वो 768 नया प्रोसेसर है तो काफ़ी दिल को अच्छा लगा मेरे को, वही बोलना चाह रहा था. सो गाइस अगर मैं इसके एंड्रॉयड की बात करने चलूँ तो दोनों में OS 11 एंड्रॉयड 11 है, तो OS की वजह से तो काफ़ी बेटर चलता है, देख सकते हैं आप लोग. और इसके अंदर 120Hz का फास्ट रिफ्रेशिंग रेट है तो उसके हिसाब से IQOO Z बेटर है. पर डिस्प्ले की अगर मैं कलर क्वालिटी और वो सब के बता उस हिसाब से देखूँ तो IQOO का भी ठीक है, इसमें AMOLED के हिसाब से वो भी बेटर है. तो अगर मैं नेक्स्ट चलता हूँ तो इसके कैमरे की तरफ बताते हुए चलता हूँ तो देख सकते हैं आप लोग फ्रंट में इसका दोनों का कैमरा 16 MP है और Nord में इन लोग ने ओमनी विजन डाले हैं, इसमें सोनी का डाले फ्रंट में. और बैक साइड देखने चलता तो दोनों कैमरा 64 MP का है और ये दोनों 8 MP का, ये 3 MP का है मैक्रो वाला, इसका 2 MP का है. तो गाइस मैं दोनों का कैमरा खोल के और मैं दोनों फ़ोन से शॉट लिया हूँ, दोनों के शॉट, इंडोर शॉट, आउटडोर शॉट, और देख सकते हैं आप लोग जो मैं अगर आगे वीडियो में डालूँगा.
वन प्लस नॉर्ड सी पे हम लोग 4K 30 FPS पे शूट कर सकते हैं, और जी क्यू पे हम लोग 4K 60 FPS पे शूट कर सकते हो, जो कि काफ़ी अच्छा जगह है। आप लोग देख सकते हैं 4K 60 FPS पे शूट कर सकते हैं, और वन प्लस नॉर्ड सी में खाली हम लोग 4K 30 FPS पे शूट कर सकते हैं। तो कैमरा भी देखा जाए तो अच्छा ही है नॉर्ड सी का। गाइस ओवरऑल देखा जाए तो मेरे को तो दोनों फ़ोन अच्छे लगे, पर दोनों को तो मैं जिता नहीं सकता, किसी एक को जिताना पड़ेगा। तो अगर मेरे पसंद से देखा जाए तो बैटरी के हिसाब से, चार्जिंग के हिसाब से, और क्या बोलते हैं प्रोसेसर के हिसाब से, और कैमरे के हिसाब से, तो और प्राइस रेंज मेन मैटर क्या करता है प्राइस। तो जो फ़ोन में हमने IQOO Z3 जो प्राइस में मिल जाएगा उससे 4-5 हज़ार लगा के हम लोग नॉर्ड सी लेंगे तो फ़र्क है। बट जिसकी जैसी पसंद, वो भी डिपेंड करता है, पसंद पे भी चीज़ रहती। काफ़ी लोगों को पसंद के मारे ले लेते, पैसे नहीं देखते, बट कोई नहीं। हम अगर हम लोग ओवरऑल कंपैरिजन देखा जाए तो नॉट सी अच्छा है। डिस्प्ले के मामले में देखा जाए तो इसमें एमुलेट, इसमें IFC है डिस्प्ले, पर कोई नहीं, वो मैटर नहीं करता है। ओवरऑल देखा जाए तो मैं IQOO के तरफ Z3 पे जाता हूँ, क्योंकि वो 20 हज़ार में गाइस इतना सब कुछ मिल रहा है। 768G प्रोसेसर स्नैपड्रैगन, जो कि इंडिया का फर्स्ट प्रोसेसर है, प्लस कैमरा 64 मेगापिक्सल। हाँ, डिस्प्ले में एमुलेट नहीं है, वही गाइस। अगर आप लोग को कौन सा पसंद आया आप लोग कमेंट करके बताओ, और अगर आप लोग को ये चीज़ बाय करने के दोनों फ़ोन में से कुछ भी, तो लिंक डिस्क्रिप्शन पे दिया है अमेज़ॉन की, आप लोग जाके बाय कर सकते हैं या फिर चेकआउट कर सकते हैं अमेज़ॉन पे जाके। तो वही, आप लोग को वीडियो भी पसंद आया रहेगा और मोबाइल भी पसंद आया रहेगा, तो कमेंट कर देना और वीडियो ज़रा शेयर करना। क्या पता आप लोग दोस्त लोग कन्फ्यूज़ रहे दोनों में से कौन सा फ़ोन बाय करना है, कौन सा नहीं बाय करने का। तो तब तक के लिए स्टे ट्यून, आप लोग को ऐसी वीडियो लाते रहूँगा। तब तक के लिए बाय। It's just me and you.